तुम लड़की में ही तो खास बात होती, छोटी सी बात करके मर जाऊंगी, तुमने तुम्हें चक्कर में डाल दिया। अगर तुझे कर्म नहीं मिलेगा तो तू मर जाएगा, लेकिन अगर यही बात देश देव प्रधान को मालूम हो गई ना तो मेरा इतनी जगह ट्रांसफर करवाएगा कि मैं यूपी देखने के लिए तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसका उठना बैठना बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के साथ है। देख शिवानी तो जानते हैं कि मैं सरकारी अफसर हूँ, कोर्ट मुझे कभी इस बात की परमिशन नहीं देता कि मैं किसी मुजरिम की जमानत दे दूँ। कर्म के छूटने का एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है चाचा जी? बेटी कर्म की जमानत तू ले ले। क्या मैं? बिल्कुल। तो चाचा तो मुझे करना क्या पड़ेगा? छोटा सा काम। क्या काम है? जो उस दिन मैंने तुझे एक मोटी सी फाइल ला के दी है ना, उस फाइल पर तू साइन बना दे, वैसे तो मुझे हाई कोर्ट तक कुछ काम से जाना है। कैसे भी करके मैं तेरे कर्म को काम होने से पहले छोड़ कर तेरे पास ले आऊंगा। ठीक है चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं करण को पाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। चाचा जी आप एक मिनट ठहरिए, मैं फाइल पे साइन बना के अभी आती हूँ। बिल्कुल। इसे कहते हैं नहले पे दहला, हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब ठीक से लोहा गर्म हो। सारी दुनिया जानते कि शिवानी मेरी भतीजी और मैं उसका चाचा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही तो ये मेरी भतीजी और ना ही मैं उसका चाचा हूं, मैं तो इसके घर का मामूली सा नौकर था। नौकर आज हमारे बदन पर बढ़ती है तो इसके पिताजी की देन है। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के आज इस लायक बना दिया कि मेरे बदन पर बढ़ती है, लेकिन जब तक हमने इसके घर में अपने कदम रखे ये करोड़ों की संपत्ति मेरे दिल में घर बना गई। मैं रात दिन अपनी आंखों से सपने देखने लगा कि इस घर का मालिक मैं कब बनूंगा। इस घर का मालिक बनने के लिए और सारी की सारी प्रॉपर्टी पाने के लिए मैंने इसके माता पिता को अपने हाथों से जहर देकर मार दिया, लेकिन इसका बाप साला इतना चालाक था कि मरने से पहले ही सालिक की सारी वसीयत अपनी बेटी शिवानी के नाम कर गया। अगर शिवानी बालिक होने से पहले उसे कुछ हो जाता तब तो सारी की सारी प्रॉपर्टी या सरकारी खाते में चली जाती। मेरे हाथ में क्या लगता? मेरे हाथ में लगता तो सिर्फ सरकारी डंडा। लेकिन नहीं, अगर शिवानी ने फाइल पे साइन बना दिया तो करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी। देखते ही देखते मैं करोड़पति बन जाऊंगा। चाची जी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, मैंने फाइल में साथ बना दिया है। आप मेरे करंट को जल्द से जल्द छुड़ा कर दी लाइए चाचा जी। त्रिवानी तूने उस फाइल को कभी पढ़ा नहीं था क्या? नहीं चाचा जी, आप कहते हैं मुझे फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है चाचा जी? अरे वैसी वैसी फाइल नहीं थी। तो फिर कैसे फाइल? वो स्टाम्प पेपर की फाइल थी। क्या स्टाम्प पेपर? तूने फाइल का साइन बना के आज मुझे धक्का और सारी की सारी प्रॉपर्टी का तूने मुझे मालिक बना दिया। भैया मास्टर Thank you.
I'm not going to be able to do that.